जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉलीग्रज में। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए है, बीटीयूपी के स्टूडेंट्स के लिए है कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे और चल भी रही हैं 26 जुलाई से ही। तो इसमें मैं आपको सब कुछ क्लियर कर देने वाला हूँ, अलग अलग 10 वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। एक पहला जो है वो ऑफिशियल नोटिस है कि कैसे कैसे क्लास चलेगा ऑनलाइन पॉलिटेक्निक का। फिर दूसरा जो आप लिस्ट देख रहे होंगे, वो दूसरा जो लिस्ट है उसमें ये बताया गया है कि कब से कब तक कौन सा सब्जेक्ट और कब से कब तक किस ईयर का कौन सा सब्जेक्ट चलेगा, ठीक है। फिर तीसरा जो आप देख रहे होंगे कि यहाँ वो जो स्वयं प्रभा चैनल, इसी पे आपको वो सब कुछ वीडियो दिखाई देगा। तो मैं इसमें बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कहीं भी रहते हुए इस चैनल को आप देख सकते हैं, ऑनलाइन आप जो है कि पढ़ सकते हैं। मैं सब कुछ डाउट जो है इस वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूं। वीडियो में बस अंत तक बने रहिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, वो सब कुछ डाउट क्लियर कर दूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं उस वीडियो को, वो वीडियो और वो न्यूज़ क्या है। तो जी हां दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ प्रेषक निदेशक शोध विकास प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश कानपुर सेवा में प्रधानाचार्य समस्त राज्य की अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्था है। तो एक चीज़ देख सकते हैं कि ये बहुत पहले से आ चुका था, सब लोग डाल चुके हैं। तो मैंने भी सोचा कि मेरे भी जितने सब्सक्राइबर्स हैं उनको क्यों ना मैं अपने माध्यम से अपने तरीके से समझाऊँ इस वीडियो को, इस चीज़ को, इस नोटिस को। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो आया है दोस्तों, ये जो नोटिस है आप देख रहे होंगे, ये जो नोटिस है ये इसलिए आया है कि पॉलिटेक्निक हो या AKTU के BTEC वाले स्टूडेंट्स हो, सबको ऑनलाइन अब पढ़ाया जाएगा। मैंने कल शाम को वीडियो देखा था 6 बजे जो ऑनलाइन चल रहा था, तो उसमें जो है कि हमें नहीं लग रहा है कि दोस्तों कि आप लोगों को 80% लड़कों को समझ में आएगा, लेकिन चलिए चल रहा है तो हमें देखना ही है। तो यहाँ देख सकते हैं कि विषय प्रदेश की पॉलिटेक्निक संस्थाओं में अध्ययन छात्र छात्राओं हेतु ई लेक्चर प्रसारण विषयक। तो ये ई लेक्चर के लिए है कि किस दूरदर्शन चैनल पर, यहाँ देख सकते हैं कि दिया है स्वयं प्रभा चैनल पर, 15 नंबर चैनल पर, स्वयं प्रभा के 15 नंबर चैनल पर, इंजीनियरिंग साइंस एंड जनरल सब्जेक्ट ऑफ फॉर इंजीनियरिंग, मतलब कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके लेक्चर चलेंगे, वो अच्छे अच्छे प्रोफेसर आपके चलाएंगे। और ये 26/7/2020 मतलब कल का ही स्टार्ट हुआ, कल शाम को, और 26 को ही क्यों स्टार्ट हुआ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि 26 को ही AKTU का स्थापना दिवस था, 26 तारीख को ही, 26 जुलाई को ही AKTU का निर्माण हुआ था, ठीक है। इसलिए 26 जुलाई को ही ये सारी प्रक्रियाएं बनाई गई हैं, और ये लेक्चर भी चला है, फिर लेक्चर आज भी चलेगा। मैं वो भी लिस्ट आपको दिखाने वाला हूँ किस किस स्टेप से लेक्चर चलेंगे, मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये तो था दोस्तों आप नोटिस, जिसको पढ़ने की क्या ज़रूरत, आप देख ही रहे हैं कि इसका मेन उद्देश्य यही है कि स्वयं प्रभा चैनल पर 15 नंबर चैनल पे पॉलिटेक्निक और बीटेक वालों के ऑनलाइन क्लास चलेंगे। आप उस क्लास को JioTV पर या TV के माध्यम से आप देख सकते हैं। मैं JioTV पर भी इसको चालू करके दिखाऊंगा, और साथ ही साथ ऑनलाइन भी इसको चला करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, तो ये तो था उसका नोटिस, अब दिखाता हूँ आपको उसका लिस्ट कि किस दिन को कौन सा सब्जेक्ट चलेगा। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ ऊपर कि ट्रांसमिशन शेड्यूल फर्स्ट पेज PDF। तो ये फर्स्ट पेज का है, फर्स्ट पेज में मैंने बताया था एक वीडियो में कि 56 घंटे का वीडियो तैयार हुआ है, लेक्चर तैयार हो गया है कि 56 घंटे में कैसे कैसे आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो उसके लिए 3 PDF बनी हुई है, 3 फाइल बनी हुई है। मैं प्रत्येक फाइल को समझा नहीं पाऊँगा, तो एक एक फाइल को कोशिश करता हूँ उसके एक एक चीज़ को समझा दूँ। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला फेज है दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है, आपको मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ। देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है कि डे वाइज लिस्ट ऑफ लेक्चर फॉर ब्रॉडकास्ट फॉर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स। ये पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए है कि कैसे कैसे क्या क्या चालू होगा। तो जो आप यहाँ पर सबसे पहला देख रहे होंगे, देख लीजिए, यहाँ दिया है कि फर्स्ट ट्रांसमिशन डेट एंड टाइम, तो रिपीट ट्रांसमिशन डेट एंड टाइम। तीसरा भी है कि रिपीट ट्रांसमिशन डेट एंड टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला लेक्चर जो दिया जाएगा उसको 2 बार रिपीट किया जाएगा, ठीक। तो जो कल शाम को दिया गया था 26/7/2020 को, जो शाम को 6 बजे से 8 बजे तक लेक्चर चला था, वही हुबहू लेक्चर उठा करके दूरदर्शन TV अपने माध्यम से, स्वयं प्रभा चैनल अपने माध्यम से 27/7 को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक AM सुबह में चला चुका है, एक बार और चल गया भोर में, ठीक है। फिर वही न्यूज, वही जो वीडियो जो शाम को चला था 6 बजे, वही एक बार चलेगा 10 बजे से 12 बजे तक, ठीक है, आज सुबह में। तो वो क्या था, तो यहाँ देख सकते हैं कि दिया है
कि डे डे पहले दिन और यहाँ पे जो कि फिर यहाँ टॉपिक दिया है और यहाँ सब्जेक्ट दिया है। फिर इस तरह से आप देख सकते हैं कि इधर जो है वो रिकॉर्डेड बाइक कौन जो है कि कौन सर आपको पढ़ा रहे होंगे उनके थे। तो यहाँ देख सकते हैं सनातन कुमार पांडे, सब्जेक्ट क्या था माइक्रो प्रोसेसर एप्लीकेशंस। फिर यहाँ देख सकते हैं कि टॉपिक क्या था तो इंट्रोडक्शन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, तो ये माइक्रो प्रोसेसर से चला है। ऐसे ही आप देख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे डेट दिखाया गया है कि किस डेट को कौन सा चलेगा। अब दूसरे या तीसरे कॉलम में जो रिपीट आप देख रहे हो उसी चीज़ को पहले ही जो पहली वीडियो चलाई गई थी उसी को रिपीट किया जाएगा। अब मान लीजिए कि दूसरे दिन दूसरा वीडियो चला तो फिर उसको रिपीट दो बार किया जाएगा, एक बार सुबह में और ये सब कुछ टाइम एक ही है कि एक बार शाम को चलेगा 6 बजे 6 से 8। फिर अगर आप नहीं देख पाए तो सुबह में देख लीजिए 2 से 4, अगर नहीं देख पाए तो फिर सुबह में देख लीजिए, दिन में देख लीजिए 10 से 12, ऐसे करके है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब चला। फिर यहाँ पे ऐसे ही है तो मेमोरी मैनेजमेंट, यहाँ टाइम स्टेट मेथड, फिर सीएनसी पार्ट प्रोग्राम, ये सब कुछ वही चैप्टर का नाम बताया गया है, लेक्चर का नाम बताया गया है। ये ऐसे ऐसे लेक्चर हैं जो एक ही दिन में समाप्त हो जाएंगे। मोमेंट भी है, लाभ फोर्स भी है, ऐसे ही करके है। तो ये तो था दोस्तों कि कैसे कैसे है कि उसका शेड्यूल क्या है। ठीक, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप इसको अगर मान लीजिए कि आपके पास टीवी नहीं है, टीवी तो इस समय सबके पास होगा, बाय चांस मैं एक बात कर रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल पे देखना चाहते हैं तो इस चीज़ को मोबाइल पे कैसे देखेंगे मैं वो भी आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये तो शेड्यूल भी आप जान गए। अब चलिए आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे लाइव इसको देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि आप अपने मोबाइल के जैसे ही आप प्ले स्टोर में जाएंगे, सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर में चले जाइए अगर आपके पास मोबाइल पे जियो टीवी नहीं है तो प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ लिखिएगा जियो टीवी। जियो टीवी लिखने के बाद सर्च करिएगा और खुलने के बाद अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आपको डाउनलोड के लिए ऑप्शन देगा, अगर डाउनलोड कर दिए हैं तो ओपन के लिए ऑप्शन देगा। तो फिर उसमें जाने के बाद मैं फिर बताऊँगा। तो यहाँ देख लीजिए मैंने पहले से ओपन डाउनलोड कर लिया था, तो यहाँ ओपन का दे रहा, तो ओपन से मैं इसको ओपन करता हूँ, खोलता हूँ, खोलने के बाद पता चलेगा कि कैसे कैसे ये आपका जियो टीवी जो है कि फिर चलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये देखिए खुल गया। खुलने के बाद यहाँ पे आपको बहुत कुछ दिखा रहा होगा, बहुत से चैनल दिखा रहा होगा, तो इन चैनलों पे नहीं जाना है, हमारा जो काम है वहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो वहाँ से निकालने के लिए दोस्तों आपको इस सर्च वाले ऑप्शन पर जाइए और सर्च वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ सर्च करिए, लिखिए यहाँ पर स्वयं प्रभा। तो यहाँ देखिए स्वयं प्रभा केवल लिखेंगे, स्वयं भी लिखेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसा करके दिया है, सब कुछ चैनल का अपना लिस्ट दिया है। तो आपको किसी भी लिस्ट पे नहीं जाना है, केवल जाना है स्वयं प्रभा 15 नंबर जो चैनल का लिस्ट है उस पे जाना है। जाने के बाद यहाँ से खुल जाएगा। तो यहाँ देखिए 27 जुलाई को सुबह में 6 बजे से जो चल रहा है वो है क्लास ये ऊपर वाला। फिर यहाँ से चलेगा 27 जुलाई को 5 बजे से चल चुका है। फिर यहाँ पर जो है ये दोस्तों 27 जुलाई को 7 बजे से चलेगा। तो आपका ये टाइम जो दिया वो टाइम तो आपका है नहीं, आपका कौन सा टाइम है तो 27 जुलाई को सुबह में 2 से 4 और दूसरा टाइम जो था वो 27 जुलाई को सुबह में 10 से 12। तो 10 से 12 आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मोबाइल पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो में आप कमेंट करके बता सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले न्यूज़ के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।